सब्सक्राइब कीजिए रोजगार समाचार इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट रोजगार से जुड़े वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कृष्ण कुमार और आप देख रहे हैं रोजगार समाचार इंडिया चैनल। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि जो रेलवे में सीधी वैकेंसी निकली है, किसी प्रकार का कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई इंटरव्यू नहीं होगा। वर्ष 2019 का आपके लिए तोहफा है। ऑल इंडिया का कोई भी पुरुष और महिला कैंडिडेट जो बताई गई योग्यताएँ रखता हो, 10वीं कक्षा पास हो और इसके साथ ही जो बताई गई योग्यताएँ रखता हो, वो अपना फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको मैं विथ प्रूफ दिखा देता हूँ। www.rrcnr.org इस साइट पे आपको सर्च करना है। सर्च करने पर आप देखिए कि ये इंडियन रेलवे रेलवे भर्ती कक्ष उत्तरी रेलवे का ऑफिशियल साइट का पेज आपके सामने खुल चुका है, ये आप देख सकते हैं। आप खुद ऑफिशियल साइट पे जाके चेक कर सकते हैं विथ प्रूफ। अब यहाँ आपको जो दिखाई दे रहा है सबसे ऊपर एक्ट अप्रेंटिस, तो आपको इसमें पोस्ट मिलने वाली अप्रेंटिस की। टोटल पदों की संख्या आपको मिलेंगी 1092 आपको पोस्ट मिलने वाली है। अब आपको देखना है कि यहाँ जो दिखाई दे रहा है कि इसका जो ऑफिशियल नोटिस के लिए क्लिक हेयर, तो हम इसके ऊपर क्लिक कर रहे हैं। तो आपको जो ही क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पेज ऑफिशियल नोटिस का डाउनलोड हो चुका है। तो इसमें यहाँ देखिए ऑफिशियल साइट का जो ये विज्ञापन संख्या और नोटिस नंबर दिया गया है। ये जो वैकेंसी है ये अप्रेंटिस की है। सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि इसमें अप्लाई कौन कर सकता है। तो ऑल इंडिया का कोई भी कैंडिडेट जो बताई गई योग्यता रखता है फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या आपको इसमें मिलेगी 1092। पद का नाम है रेलवे में अप्रेंटिस की इसमें आपको पोस्ट मिलने वाली है। अब इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, तो कैंडिडेट 10वीं कक्षा पास हो और उसके साथ ITI भी ज़रूरी है। बिना ITI वाले कैंडिडेट इसमें अपना फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात करते हैं सिलेक्शन किस प्रकार होगा। तो 10वीं की परसेंटेज और ITI की परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब ये भी बता देते हैं कि इसमें फॉर्म अप्लाई कब से हो रहे हैं और अंतिम तिथि क्या है। तो आप देखिए कि इसमें ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने की स्टार्टिंग डेट है, यहाँ स्पष्ट बताया गया है 31 दिसंबर 2018 से ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और अंतिम तिथि है ऑनलाइन अप्लाई की 31 जनवरी 2019। अब विस्तृत जानकारी बची जो इसकी एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पश्चात आपकी जो मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी उसकी भी डेट आप देख सकते हैं, इसमें पहले ही बता दिया है 15 फरवरी 2019 से 15-3-2019 के बीच। इसी ऑफिशियल साइट पे आप खुद जाके चेक कर सकते हैं। अब आगे बताया गया कि विस्तृत जानकारी देख कैंडिडेट के पास ITI क्वालिफिकेशन। अब विस्तृत जानकारी के लिए इसमें ये बताया गया है दोस्तों, देखिए यहाँ स्पष्ट लिखा है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ डिटेल्ड नोटिफिकेशन ऑफ RRC वेबसाइट। ये जो ऑफिशियल साइट है इसकी www.rrcnr.org, इस साइट पे आप कल यानी कि 27 दिसंबर 2018 को इसी ऑफिशियल साइट पे कल संपूर्ण डिटेल का ऑफिशियल नोटिस जारी कर दिया जाएगा। आज इसमें संपूर्ण नोटिस जारी नहीं हुआ है, कल आप इसकी ऑफिशियल साइट पे जाके खुद भी चेक कर सकते हैं। मैं भी आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से विथ प्रूफ दिखा दूंगा जिसमें आप देखिए आपको क्वालिफिकेशन की डिटेल, कितनी आयु सीमा रखी गई है, एग्जामिनेशन फीस क्या होगी, मोड ऑफ सिलेक्शन बताई दिया कि परसेंटेज पे है और बेसिक सामान्य जानकारी। इसका ऑफिशियल नोटिस इस साइट पे 27/12/2018 को अवेलेबल हो जाएगा। आप देखिए इस पर लिखा है कि विल अवेलेबल RRC ऑफिशियल साइट 27 दिसंबर 2018। तो जो मेरा साथी इसके लिए योग्यता रखता है वो 31 दिसंबर से इसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएंगे और अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी की विस्तृत जानकारी के लिए आप इसकी ऑफिशियल साइट पर आप खुद सर्च कर सकते हैं और फिर भी इस वैकेंसी की महत्वपूर्ण राय अपने कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार जो भी स्टेट लेवल की सेंट्रल लेवल की वैकेंसी निकली उनकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहूं। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ लाल रंग की सब्सक्राइब और घंटे वाले बटन को ज़रूर दबाइए जिससे आपको जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आए उनकी जानकारी सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।